नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सीआईबी इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। फतेहपुर में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने विरोधियों पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि अगर अखिलेश यादव का डीएनए टेस्ट होगा तो नफरत की राजनीति सिद्ध होगी, योगी जी तो विकास पुरुष हैं। वहीं राजस्थान में साधु की जलाकर की गई हत्या पर उन्होंने अखिलेश, मायावती और राहुल का कोई बयान नहीं आया। साथ ही उन्होंने कहा कि ये इस देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ हत्या और बलात्कार में भी भेद होता है। राजस्थान में मुस्लिम गुंडे गांव की लड़कियों का अपहरण करके बलात्कार करके छोड़ देते हैं और कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती है। कांग्रेस पार्टी में महिला के साथ हाथापाई हुई है, अब राहुल प्रियंका बोले क्या करेंगे। उन्होंने दोनों पर कहा कि ये दलित के घर दिल्ली से हंसते हंसते जाते हैं, ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के काम की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार ने जितना काम किया है उतना किसी भी सरकार में नहीं हुआ है। 2017 से जिस तेज गति से काम हुआ है, 2012 से मैं 14 तक विधानसभा में रही हूँ, उसके बाद मैं 14 में यहाँ से सांसद बनी। 2017 तक गांव तक जो माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य था, गांव तक विद्युत पहुंचे, हर व्यक्ति को आवास मिले, शौचालय मिले, 17 तक कोई काम नहीं हुआ। जिस तेज गति से माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार उत्तर प्रदेश की काम कर रही है, केंद्र की योजनाएं 100% लागू हो रही हैं, अब इनको कोई मुद्दा नहीं ढूंढे मिला, बेमतलब के मुद्दे। मैं ये कह सकती हूँ कि योगी जी का डीएनए टेस्ट होगा तो विकास पुरुष के नाम में जाना जाएगा, अखिलेश का डीएनए टेस्ट होगा तो नफरत की राजनीति सिद्ध होगी। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।